शाम की चाय के साथ अगर कोई बढ़िया स्नैक सर्व किया जाए तो चाय का मजा दुगना हो जाता है। तो आज मैं आप सबके लिए एक मजेदार क्रिस्पी स्नैक की रेसिपी लाई हूँ, जिसे आप झटपट से बनाकर सर्व कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से मेरे चैनल इंडियन फूड में डिजी को सब्सक्राइब कर लें और हम 2 मिनट्स राइस फ्लोर क्रिस्पी इवनिंग स्नैक्स बनाना शुरू करते हैं। 2 मिनट्स राइस फ्लोर क्रिस्पी इवनिंग स्नैक्स बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में डालें 1 कप चावल का आटा, साथ ही इसमें डालें 1/2 कप गेहूँ का आटा, 1/2 चम्मच या अपने स्वाद अनुसार नमक, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/4 चम्मच चिली फ्लेक्स और 1/4 चम्मच जीरा डालकर इन सभी को अच्छे से मिक्स कर दें। सब कुछ अच्छे से मिक्स करने पर इसमें डालें बारीक काटी हुई 1 मिर्च, बारीक चॉप की हुई 1 छोटी शिमला मिर्च, बारीक काटा हुआ 1 प्याज और चॉप किए हुए 2-3 चम्मच धनिया पत्ते डालकर इन सभी को आपस में अच्छे से मिक्स कर दें। इसमें आप अपने पसंद की कोई भी और सब्जी डाल सकते हैं, जैसे गाजर या टमाटर भी डाल सकते हैं। स्नैक बनाने के लिए मुझे इसका बैटर तैयार करना है, जिसके लिए इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएं और इसका बैटर तैयार कर लें। पानी थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करें ताकि स्नैक बनाने के लिए बैटर की परफेक्ट कंसिस्टेंसी बनकर तैयार हो। तो लीजिए बैटर तैयार है। बैटर को कुछ देर के लिए ढककर रख दें। उतनी देर में स्नैक्स को फ्राई करने के लिए हम ऑयल को गर्म कर लेते हैं, जिसके लिए एक कढ़ाई में ऑयल डालें, गैस मीडियम हाई पर सेट रखें और ऑयल को गर्म कर लें। कुछ देर के बाद अब हम बैटर चेक कर लेते हैं। बैटर में 1/2 चम्मच इनो डालकर मिला दें। ये देखिए इवनिंग स्नैक्स बनाने के लिए बैटर की परफेक्ट कंसिस्टेंसी बनकर तैयार है। हमारा ऑयल भी अच्छे से गर्म हो चुका है, तो अब तकरीबन 1/2 कड़छी तैयार बैटर ऑयल में डालकर फ्राई कर लें। स्नैक को तकरीबन 1 मिनट तक एक तरफ से फ्राई करने पर इसे पलट दें और दूसरी तरफ से भी गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाने तक फ्राई कर लें। जब स्नैक दोनों तरफ से फ्राई होकर गोल्डन ब्राउन कलर का नजर आने लगे, तब 2 मिनट्स राइस फ्लोर क्रिस्पी इवनिंग स्नैक्स फ्राई होकर तैयार है। इसका मैक्सिमम ऑयल ड्रेन कर लें और एक प्लेट में निकाल लें। इसी तरह बाकी के बैटर से भी स्नैक्स फ्राई करके तैयार कर लें। बताई गई सामग्री से मेरे तकरीबन 10 से 12 स्नैक्स बनकर तैयार हुए हैं। चावल का आटा होने के कारण ये स्नैक्स बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। ऐसी ही और क्रिस्पी स्नैक्स की रेसिपीज देखने के लिए अभी मेरे चैनल इंडियन फूड मेड इजी को सब्सक्राइब कर लें।